पेश है गौरव चोपड़ा का एक नया अंदाज। चाहे उत्तरण और बिग बॉस जैसे शोज हो, या फिर हो ओटीटी पर राणा नायडू जैसे शोज, या फिर हो हाल ही में रिलीज हुई कदर 2, हर मीडियम पर गौरव चोपड़ा ने अपना कमाल दिखाया है। और आज सास बहू बेटियां लेकर आया है गौरव चोपड़ा का एक अनोखा फोटोशूट, जहां पर मोडा की टीम कर रही है उनका अनोखा मेकओवर, सलीम कर रहे हैं उनका मेकअप और AK फोटोग्राफी की टीम ले रही है उनके बेहतरीन पोज। गौरव ने दिखाया अपना खास अंदाज और स्वैग, तो दिखाते हैं आपको गौरव चोपड़ा का एक खास अंदाज। गौरव चूंकि हर मीडियम पर हर तरह के किरदार निभा चुके हैं, आज उनके इस फोटोशूट का थीम है जेंटलमैन, इसलिए मोरा की टीम ने उन्हें जेंटलमैन लुक दिया है। ये बहुत दिनों के बाद आज हम एक फैशन शूट कर रहे हैं। कुछ लोगों को पता है और कुछ लोगों को नहीं पता कि मैं निफ्ट से एक फैशन डिज़ाइनर हूं खुद, निफ्ट दिल्ली से। और इसलिए जब मैं कुछ फैशन से रिलेटेड करता हूं तो मुझे एक बहुत अपनेपन की और कमिंग बैक होम वाली फीलिंग आती है। मेंस वेयर में एक्सपेरिमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज हमारी उतनी ऑप्शंस नहीं होती जितनी वुमेंस डिज़ाइंस में होती हैं, खासकर जब आप क्लासिक मेंस वेयर कर रहे हो या एक्सपेंसिव मेंस वेयर कर रहे हो। आज कुछ मज़ा आ रहा है, हम लोग कुछ खेल रहे हैं। जब आप एक टैलेंटेड बंच के साथ काम करते हैं तो आपको मज़ा आता है। ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दिस इज़ फ्रेंडली एंड इट्स हैपनिंग लाइक जस्ट एज अ कोलैबोरेशन, जस्ट फॉर फन। इसका कोई प्रोफेशनल मोटिव नहीं है, बट अच्छे लोगों के साथ जब आप अच्छे आइडियाज़ को डिस्कस करके कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं और फिर कुछ अच्छे स्टिल्स और इमेजेस और वीडियोस आपके हाथ लगते हैं तो खुशी होती है। दिस इज़ ये उतना ही काम है जितना फन है। सो आई होप सबकी ज़िंदगी में ऐसे ही काम होना चाहिए जिसमें फ़न हो। वैसे आपको बता दें कि गौरव चोपड़ा ने अपने करियर की शुरुआत बतौर निफ्ट के फैशन डिजाइन स्टूडेंट के रूप में की थी, लेकिन बाद में वो बन गए अभिनेता। बहुत सारे लोगों के लिए फ़ोटोशूट्स कर लिया करता था, पता नहीं था आगे जाकर खुद कैमरा के आगे परमानेंटली आ जाऊंगा। उस वक्त मेरी बॉडी की स्टेटिस्टिक्स कुछ ऐसे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और जो निफ्ट में पढ़ रहे थे डिज़ाइनर्स और बहुत बार जो फैशन शोज़ करने के लिए आते थे वहाँ, वो मुझे पहना कर जैकेट्स और सूट्स और कॉस्ट्यूम्स फ़ोटोज़ वगैरह ले लिया करते थे, और वहीं से मेरा रैंप का सिलसिला भी शुरू हुआ। तो ये बहुत साल पहले की बात है, पर जो चीज़ ऐसे शौकिया शुरू हुई थी, ऑफ कोर्स यू नो अब उसे करने में मज़ा आता है। वैसे पर्दे के पीछे गौरव को स्टाइल करने के लिए मोरा की पूरी टीम लगी हुई है, साथ में मेकअप हेयर और फोटोग्राफी की टीम दे रही है उन्हें बेस्ट लुक, जिसका नतीजा है ये पिक्चर्स और ये स्टाइल। काम और फन मिल जाए तो फिर बहुत मज़ा आता है, लगता नहीं कि आप काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि कुछ आज फन एक्टिविटी हो रही है। तो हम लोग मिलकर कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर जो मेरे मेकअप और हेयर कर रहे हैं सलीम, वो भी हैं, तो मिलकर जितना भी अच्छा काम हम लोग कर सकते हैं ब्रेनस्टॉर्म करके वो कर रहे हैं। ना प्रेशर है कोई और ना ही किसी के ऊपर कोई प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन है, बस एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट के चलते अच्छा काम कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। गौरव हाल ही में इस साल की सबसे सुपरहिट फिल्म गदर 2 का हिस्सा थे और इस मौके पर उन्होंने अपनी इस सक्सेस को शेयर किया।
गदर 2 की सक्सेस के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। गदर 2 की सक्सेस मेरी नहीं, सनी सर की नहीं, अनिल शर्मा सर की नहीं, उत्कर्ष की नहीं, सिमरत की नहीं, अमीशा की नहीं, गदर की सक्सेस आप लोगों की सक्सेस है। क्योंकि गदर एक इस किस्म की फिल्म है, कुछ इस किस्म के जज्बे को लेकर आती है जो हमारे देश की जनता का जज्बा है। तो गदर की सक्सेस, एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनना, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ना, ये आप लोगों की सक्सेस है। आप लोगों ने ये रिकॉर्ड तोड़ा है। सो जितनी मुबारकबाद मुझे, उससे कहीं ज़्यादा मुबारकबाद आपको। तो देखा आपने गौरव का ये अनोखा अंदाज जो आज सास बहू बेटिया में उनके इस फोटोशूट के इस झलक के साथ हमने दिखलाया। तो उम्मीद करते हैं कि टीवी, ओटीटी और अब फिल्मों की सफलता के बाद गौरव अगला प्रोजेक्ट कुछ नया और धमाकेदार करे। फिलहाल उनका ये लुक सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटिया में। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।